मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं बीएससी सेकंड ईयर के पार्ट 10 में, और बच्चों चल रहा है पहला पेपर है आपका ऑप्टिकल फिजिक्स एंड लेजर, जिसका पहली यूनिट को हम लोग कवर कर रहे हैं। कुछ दिन के लेक्चर्स और बाकी है पहले यूनिट में, इसलिए फटाफट से उसको अच्छे से नोट्स कंप्लीट करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा हमारे साथ, ताकि हमें लगता रहे कि आप उसी हिसाब से चल रहे हैं जैसे हम लोग सिस्टम वाइज चल रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और दिस इज द इंटरफेरोमीटर। सबसे पहले ये समझेंगे कि इंटरफेरोमीटर की कहानी क्या, इंटरफेरोमीटर होता क्या है। ये चीजें हम लोग यहाँ तक पहुंचे इतने देर में, ये इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि अब तक हमने पीछे बहुत सारे इंटरफेरेंस की कहानियां देख चुकी हैं। इंटरफेरेंस में हम लोग अब तक देखते आए थे कि दो लाइट सोर्सेस थे जिनके सोर्सेस जो है वो एक्चुअली कोहेरेंट थे, मतलब कि एक ही सोर्स से जनरेटेड थे। जब ये चलते एक दूसरे से मिलते थे तो एट द सेम टाइम कहीं ब्राइट और कहीं डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलते थे। फिर हमने इसको दो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिवाइड किया था, हमने देखा था एक आपका था हमारे न्यूटन रिंग के फॉर्म में, दूसरा हेडिंजर के फॉर्म में। जो लोग नहीं देखे वो फटाफट से लास्ट का देख लेंगे। आज हम लोग इंटरफेरेंस की कहानी पर बने हुए सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम पर आ चुके हैं, और सिस्टम का नाम है इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर क्या है? तो इंटरफेरोमीटर वो डिवाइस है जिसमें बेसिकली इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जिस इंटरफेरोमीटर के डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन ये है, द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आर नोन एज इंटरफेरोमीटर। कहानी क्लियर है, इंटरफेरोमीटर क्या है? जो आपके इंटरफेरेंस पर बेस्ड है, मतलब सारी कहानी आपको इंटरफेरोमीटर के अंदर ही ऑब्जर्व होगी। हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है एक्चुअली वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, आपके बीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और मैं बता दूं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर वो कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पर हम ना केवल स्पीड ऑफ लाइट निकाले थे, इन्होंने ही निकाला था स्पीड ऑफ लाइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लाइट की वेवलेंथ भी कैलकुलेट करते हैं, ना केवल लाइट की वेवलेंथ बल्कि हम इसमें जो स्ट्रिप यूज करते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन के थ्रू लाइट वापस आती है, इसमें रिफ्रैक्शन जिस मैटर से होता है उस स्ट्रिप की हम थिकनेस भी निकाल सकते हैं। तो बात क्लियर करिएगा, यहाँ पर हम इससे क्या करते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, और इसमें जो स्ट्रिप इस यूज होगी उसकी थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किससे, माइकलसन इंटरफेरोमीटर से। इसका प्रिंसिपल होगा ये, माइकलसन डिजाइंड इंटरफेरोमीटर विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके, थिक एंड थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप ETC। ध्यान दीजिएगा, ये थिकनेस है, ठीक, ये थिकनेस है, तो थिकनेस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप, जो हमने इसमें ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप यूज करते हैं इंटरफेरोमीटर में, उसकी थिकनेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा, नोन एज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो बहुत सारे बच्चों को ये कहानी होती है कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं बता दूं कि आप पहले इसको सिस्टम वाइज ऐसे ही नोट कर लिया करें, और फिर उसके बाद ध्यान से सुन करके भी लिखने का प्रयास करें, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, अगर मैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बात करूं, तो आप जब लैब में जाएंगे तो वहां पर माइकलसन इंटरफेरो अब तो मॉडर्न हो चुका है, काफी एडवांस और छोटे साइज में होता था। पहले के माइकलसन इंटरफेरोमीटर साइज में बड़े हुआ करते थे, तो वो चीजें ज्यादा दिक्कत करती थी समझने में, आजकल कॉम्पैक्ट है, लैब में देख सकते हैं या फिर यूट्यूब पर ही आप सर्च करके माइकलसन इंटरफेरोमीटर देखिएगा, वो भी लेटेस्ट वाली, ठीक, काफी कॉम्पैक्ट होती। तो यहाँ पर होता क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में बेसिकली दो आपके प्लेन मिरर्स होते हैं जो अच्छे से पॉलिश होते हैं, मतलब उनसे परफेक्ट रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ना केवल दो प्लेन मिरर्स होते हैं M1 M2, इसके अलावा दो आपके ग्लास प्लेट्स होती हैं। दोनों ग्लास प्लेट्स यहाँ पर जो है वो A और C के नाम से दी गई हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी और 45 डिग्री के एंगल पर रहती हैं। किसके 45 डिग्री पे, तो पहले वाले मिरर और दूसरे वाले मिरर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर ना होकर के जैसे ये मिरर है बच्चों आपका, और यहाँ पर ये दूसरा ग्लास प्लेट है, ये ग्लास प्लेट ए और सी होती है और मिरर होते हैं एम1 एम2। ग्लास प्लेट देखिए, एक यहाँ होगी एक यहाँ होगी, अभी हम डायग्राम में प्लॉट करके दिखाएंगे। तो दो ग्लास प्लेटें होंगी और उनके बीच में यहाँ पर दो आपके यहाँ पर ग्लास प्लेट रखी होंगी। तो ध्यान से आई रिपीट कि यहाँ पर आपके दो
मिरर्स लगे होंगे और बीच में आपके सेंटर पर दो ऐसे पैरेलल करके आपके ग्लास प्लेट लगे होते हैं। ग्लास प्लेट का नाम ए और सी रखा हुआ है। ग्लास प्लेट में एक जो ग्लास प्लेट होती है वो सेमी सिल्वर्ड होती है, ओके, उसका फायदा हम अभी जानेंगे। तो ए एंड सी, तो ध्यान दीजिएगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू हाईली पॉलिश्ड मिरर्स M1 M2 एंड टू प्लेन ग्लास प्लेट्स ए एंड सी पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पैरेलल होंगे। द प्लेट ए इज हाफ सिल्वर्ड, एक हाफ सिल्वर्ड होगा एंड इंक्लाइंड एट 45 डिग्री, मतलब ये 45 डिग्री पर है, ठीक है, किससे, मिरर से, ठीक है, 45 डिग्री द मिरर M1 एंड F2 ओके आर पोजिशनड इन टू परपेंडिकुलर आर्म्स ऑफ द इंटरफेरोमीटर एज शोन। अभी हम डायग्राम में इसको देख लेंगे कि ये जो मिरर से एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो कैसे होंगे, आइए देखते हैं। हाँ, तो बच्चों अब हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन पूरा बहुत बड़ा सा इस तरीके से चार पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों ही चार पार्ट के भागों को हम कैसे देखेंगे, आइए इस प्लेन पर समझने की कोशिश करते हैं। इसको हमने बनाया है बोर्ड पर, तो ये वाला जो पूरा अरेंजमेंट है उसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं और यहाँ पर ये पूरा जो अरेंजमेंट है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए एक सोर्स होता है बच्चों, और ये जो सोर्स होता है वो एक्चुअली मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। लैब में जो आप यूज करते हैं वो सोडियम लैम्प से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होगा, मतलब एक ही लाइट ट्रेवल करेगी। यहाँ पर एक लेंस होता है बच्चों जिसका नाम है एल। ये लेंस अरेंजमेंट क्या करता है, लाइट को पैरेलल रखने की कोशिश करता है। लाइट जब पैरेलल होकर के जाएगी तो सामने आपकी दो अरेंजमेंट और देखने को मिलती है यहाँ पर, और ये जो दो अरेंजमेंट है कोई और नहीं, ये एक्चुअली ग्लास प्लेट्स हैं। ये ग्लास प्लेट्स सिंपल सी ग्लास प्लेट्स होती है, ये ए और ये सी, जहां पर ए वाला जो ग्लास प्लेट होता है वो सेमी सिल्वर्ड होता है। सेमी सिल्वर्ड का मतलब कि इसमें से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट भी हाफ पार्ट पे होगी और हाफ पार्ट पर रिफ्लेक्ट भी होगी, मतलब दोनों पार्ट हाफ हाफ इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे इससे ए से, ये सेमी सिल्वर्ड होती है। वहीं अगर मैं बात करूं सी की, तो सी वाली जो ग्लास प्लेट होती है वो इसी तरह हमने लगाया हुआ है। इसका बेसिक सा काम अभी हम इसका बताने वाले हैं। बेसिकली इसको हम लोग कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट, क्योंकि ये कंपनसेट मतलब कि बैलेंस ऐसे ही करने के लिए लगाते हैं, तो ये कंपनसेटिंग ग्लास प्लेट कहलाता है। बात करेंगे इन दोनों के दोनों परपेंडिकुलर साइड्स पर, तो इनके दो परपेंडिकुलर साइड अरेंजमेंट होते हैं, जहां पर एक तरफ ग्लास प्लेट जो होती है वो M2 लगी होती है, वहीं दूसरी तरफ ग्लास प्लेट लगी होती है M1। M1 जो है वो मूविंग है, मतलब इसको हम मूव करा सकते हैं, ये पूरा स्केल पर फिट होता है और जिसको हम यहाँ पर एक हैंडल से मूव करा सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो मिरर होता है, इस मिरर वाले प्लेट को हम अपने हैंडल के थ्रू आगे पीछे मूव करा सकते हैं, ओके। तो ये वाला सेक्शन यहाँ पे मिरर है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइट यहाँ पे ट्रेवल करेगी, टकराएगी तो वापस आएगी, ठीक, कैसे आएगी उसको हम वर्किंग में अभी समझ लेंगे। तो यहाँ पे ठीक इसके परपेंडिकुलर, मतलब M1 के परपेंडिकुलर में यहाँ पे एक और आपको मिल जाएगा प्लेट, जिसका नाम होगा M2। बच्चों ये M2 क्या है, M2 यहाँ पर देखिए स्क्रूज से टाइट है, मतलब कि फिक्स है, मतलब इसको आपको मूव नहीं कराना है, इसकी डिस्टेंस फिक्स होगी। अब ये वाली डिस्टेंस फिक्स है जहां पर आपका M1 और M2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज हो गए। वहीं अगर मैं बात करूं इसके इस वाली लाइन पर, मिरर M1 के लाइन पर, तो ये यहाँ पर आपका लगा होता है एक स्केल जिसको हम रीडिंग पढ़ने के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पर ओपनिंग होती है जहां से हम अपनी आंखों से यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, वही जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा वो यहाँ से देखने पर एग्जैक्टली सीधी वाली लाइन पर देखने को मिलती है, किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा रिंग के फॉर्म में, जिसे हम न्यूटन्स रिंग कह सकते हैं। तो ये पूरा अरेंजमेंट आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा। ये स्केल रीडिंग के लिए है, ये वर्नियर रीडिंग के लिए होती है, ये टोटल रीडिंग हम नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी पर। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। आइए थोड़ा अब बात करते हैं इस डायग्राम को हम लोग समझने के लिए, तो आइए समझते हैं। स्टार्टिंग बच्चों यहां से है, लिखना पूरा होगा आपको। लाइट बीम फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस एल, ये है लेंस एल। इंसिडेंट ऑन प्लेट के, ये है बच्चों प्लेट के जिसमें से लाइट एंटर करेगी।
वन हाफ ऑफ द इंसिडेंट बीम इज रिफ्लेक्ट बाय प्लेट ए. ओके, वन हाफ मतलब इससे वन हाफ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी ठीक, और वन हाफ क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी. तो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट बात समझिएगा, रिफ्लेक्ट का मतलब कि ये उधर चली गई, रिफ्लेक्ट बाय प्लेट ए टुवर्ड द मिरर एम वन. देखिएगा ध्यान से एम वन एंड रिमेनिंग हाफ टुवर्ड एम टू. ध्यान दीजिएगा यहां से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गई क्योंकि ये सेमी सिल्वर्ड थी, इधर चली गई और हाफ पार्ट जो होगी वो रिफ्लेक्ट होके कहां जानी चाहिए एम टू की ओर. दीज टू बीम्स, ध्यान दीजिएगा रिमेनिंग हाफ टुवर्ड एम टू, दीज टू बीम्स ट्रेवल अलॉन्ग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर पाथ एंड आर रिफ्लेक्टेड बाय मिरर एम वन एंड एम टू. बात क्लियर है, यहां से वन हाफ यहां, वन हाफ यहां जाता है और ये दोनों वापस आते हैं. क्लियर ये करना है आपको कि जब ये लाइट यहाँ पे गई तो इसको वापस आने में, यहां से वापस आने में इसको डबल पार्ट ट्रेवल करना पड़ गया, मतलब इस वाले ग्लास प्लेट में इस वाली लाइट को सफर करना पड़ा जो लाइट यहां से वहां जा रही थी ठीक. तो इस वाली लाइट को जो ऊपर जाने के लिए इस सेमी सिल्वर्ड पार्ट से सफर करना पड़ा, मतलब यहां पर ये जो ग्लास प्लेट है वो इस वाले पाथ के लिए डबल रूट ट्रेवल करना पड़ जाता है. ये जो ग्लास प्लेट है यहाँ पर रिफ्रैक्शन करने को दे देता है किसको, इस वाली लाइट को, मतलब इस वाली लाइट के लिए पाथ जो होती है वो बड़ी हो जाती है किसके रिस्पेक्ट में, इस वाली लाइट के रिस्पेक्ट में. तो ये वाली जो लाइट है वो सीधी एम टू से टकराती है और वापस आ जाती है अगर ये सी ना होता तो. मेरी बात क्लियर करिए, जो लाइट इस वाले सेक्शन से रिफ्रैक्ट हो रही है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है और फिर रिफ्रैक्ट होने के तहत ऊपर जाती है और वापस आती है. यही सेम चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये लाइट सीधी निकल गई थी और वापस आ रही थी, इसमें इसको कहीं ग्लास प्लेट का सामना नहीं करना पड़ता. तो इसलिए हमने अपने कन्वीनियंट के लिए या फिर दोनों के पाथ को इक्वल करने के लिए यहाँ पर हमने रख दिया एक सी ग्लास प्लेट. सी ग्लास प्लेट सी रखने से क्या होता है कि लाइट को इस ग्लास प्लेट का सामना करना पड़ेगा. अगर इस ग्लास प्लेट का सामना करेगा तो यहाँ पे कुछ अलग से एक्स्ट्रा पाथ देखने को मिलेगा जो इस लाइट ने भी ट्रेवल करी थी, लेकिन इसने नहीं करी, ये सीधे निकला था इसलिए हमने यहाँ पे इसको लगाया है. बात क्लियर हो रही है, इसको हमने कंपनसेट करने के लिए लगाया था ताकि दोनों के पाथ को हम इक्वल कर सके. तो दीज यहां से आपने कवर कर लिया, दीज टू बीम्स रिटर्न्स टू प्लेट ए एंड मूव टुवर्ड आई, मतलब अब ये लाइट दोनों जो है वो कहां पे आएंगी, आंखों की ओर आएंगी एज शोन इन फिगर. देख लीजिए फिगर, इन फिगर प्लेट सी, फिगर सी इज नोन एज कंपनसेटिंग प्लेट, इट इज यूज्ड बिकॉज बीम गोइंग टू वर्ड एम वन एंड रिफ्लेक्टेड पासेस थ्रू बट द बीम मूविंग टूवर्ड मिरर एम टू डज नॉट. यहां से एम टू वाले से इसको पार्ट डिफरेंस नहीं मिल रहा था बट इससे इसको इतना एक्स्ट्रा पाथ देखने को मिलता था, यही कारण था कि हमने इसको लगाया ताकि एम टू से आने वाले बीम भी इसको क्या कर सके, इक्वल पाथ दे सके. क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ते हैं. हाँ तो बच्चों देखिए डायग्राम हमने नहीं मिटाया है क्योंकि डायग्राम आपको चीजों को समझने में यहाँ पर हेल्प करेगा, लेकिन आप जब नोट्स कंप्लीट करेंगे तो जो डायग्राम होगा वो कंस्ट्रक्शन जो आपने स्ट्रक्चर लिखा था ना वहीं पर डायग्राम प्लॉट करके छोड़ेंगे और फिर लाइन चेंज करके ये सारी चीजें जिस सिस्टम से हम बता रहे हैं वैसे ही आपको नोट करना होगा. ऐसे आप बीच में डायग्राम प्लॉट करके राइट लेफ्ट में नहीं लिखेंगे. मेरी मजबूरी यह है कि हमें आपको डायग्राम को दिखाते हुए टॉपिक को क्लियर करना है, इसीलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है. आइए देखिए, तो यहाँ पर जो हमने अभी देखा उसके आगे अब इसी सिस्टम को यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. वी प्लेस द प्लेट सी, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द बीम गोइंग टूवर्ड मिरर एम टू, M2 से गया एंड रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड A, वापस आता है ठीक. Passes twice through the plate and therefore इससे जब गुजर के जाता है तो इसको दो रास्तों से यहां से जाने आने में डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इस वाले पर्टिकुलर ग्लास प्लेट का ठीक है. Therefore the path of the ray of glasses are the same, मतलब जो इसको फेस करना पड़ा इस वाले लाइट बीम को भी वही फेस करना पड़ा सेम. The mirror M1 is fixed on the carrying and can be moved with help of
हैंड एच, मतलब ये एक स्टैंड पर फिक्स होता है, देखिए कैरियर कैरियर पर फिक्स है जिसको हम ऐसे आगे पीछे मूव करा सकते हैं। एंड इससे हेल्प मूव कराएंगे आप हैंडल से, ये हैंडल लगा हुआ है, इसको आप आगे पीछे करके इस मिरर को आगे पीछे ले जा सकते हैं, ठीक है। हैंड एच, इस वाले मिरर की मूवमेंट हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, द डिस्टेंस थ्रू थ्रू विच द मिरर M1 इज मूव्ड कैन बी रीड ऑन द स्केल, इसकी रीडिंग को हम इस स्केल पर पढ़ेंगे, स्केल द प्लेन ऑफ द मिरर M1 एंड M2 कैन बी परफेक्टली विद हेल्प ऑफ स्क्रूज, ठीक है, कैन बी परफेक्टली परपेंडिकुलर है ये, कैन बी परफेक्टली परपेंडिकुलर आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, कैन बी परफेक्टली परपेंडिकुलर पूरा लिखिएगा, परपेंडिकुलर विद हेल्प ऑफ स्क्रूज, मतलब यहाँ पर इसको स्क्रूज से M2 को हमने टाइट कर दिया है जो कि इसको इसको एक दूसरे को परफेक्टली 90 डिग्री पे फिट करता है। ध्यान दीजिएगा, परफेक्टली परपेंडिकुलर विद हेल्प ऑफ स्क्रूज अटैच्ड विद देम, ठीक, इससे आपके स्क्रूज लगे हुए हैं, यहाँ पर ये फिट है, इसको आप जितना ही मूव कराइए लेकिन ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। आगे बढ़ते हैं, इफ द मिरर M1 एंड M2 आर परफेक्टली परपेंडिकुलर वी कैन सी द इमेज ऑफ मिरर M1, यहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं जो लाइट यहाँ से होकर ट्रेवल करेगी, एंड M2, M2 से जो लाइट आ रही है यहाँ पर हम दोनों के मीटिंग पॉइंट पर इमेज देखेंगे, ठीक है। मिरर M1 एंड M2 थ्रू प्लेट, ये लेंस का पार्ट है, ये पहले का पार्ट है, इसको मिक्स मत करेगा, थ्रू प्लेट। अब इस प्लेट पर जब दो दोनों लाइटें एक दूसरे से मिलेंगी तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा कुछ इवेंट, क्या होगा आगे देखते हैं। देयर विल बी अ एयर फिल्म, इसके और इसके बीच में एयर फिल्म देखने को मिला, ध्यान दीजिएगा, एयर फिल्म बिटवीन द टू इमेजेस, इमेजेस एंड डिस्टेंस कैन बी वेरी विद द हेल्प ऑफ हैंडल, इस डिस्टेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, मतलब इस एयर फिल्म को हम वेरी करा सकते हैं हेल्प ऑफ एच, इन दिस केस जब हम इसको आगे पीछे करेंगे तो एयर फिल्म भी कम अधिक होगा, थिकनेस भी वेरी करेगा, ठीक है। तो केस द फ्रिंजेस आर फाउंड टू बी परफेक्टली सर्कुलर, अब जब आप इसको आगे पीछे करोगे तो एट द सेम टाइम इस साइड से देखने पर आपको सामने परफेक्ट रिंग्स देखने को मिलते हैं, वो रिंग्स जो होंगे वो सेंटर्ड डार्क ब्राइट तरीके से आपको कई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देखने को मिलता है जो कि क्या कहलाते हैं, न्यूटन्स रिंग, बात समझ में आ रही है। तो यहां से आप इसको आगे पीछे करके रिंग्स बना सकते हैं। आगे देखते हैं, तो इफ द पाथ ट्रेवल बाय द टू रेज इज एग्जैक्टली द सेम द फील्ड ऑफ व्यू इज कंप्लीटली डार्क, बात क्लियर हो रही है, M1 से और M2 से जो ट्रेवल होकर के लाइट आ रही थी अगर दोनों का पार्ट सेम है तो जो फील्ड ऑफ व्यू होगा पहले एग्जैक्टली डार्क हो जाएगा, मतलब पूरा अंधेरा हो जाने वाला है। तो यहाँ पर व्हेन मिरर M1 इज मूव्ड अवे और टुवर्ड, पीछे जो मिरर जो मूव कर सकता है उसको आगे पीछे धीरे धीरे अगर आप लेके जाएंगे तब आपको कहीं जा करके आपको ग्लास प्लेट ए से रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट थी वो फ्रिंज देना स्टार्ट करेगी, फ्रिंजेस अक्रॉस सेंटर ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, अब यहां पर धीरे धीरे कुछ सेंटर पर रिंग्स पास होना स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे इस तरीके से बाहर को निकलते हुए दिखाई देंगे, जस्ट लाइक आपने कोई इल्यूजन वाला डायग्राम देखा होगा उसमें रिंग्स इस तरीके से धीरे धीरे ब्लैक वाले रिंग्स जो है वो बाहर निकल रहे हैं, ब्राइट वाले रिंग्स बनने स्टार्ट हो रहे हैं, ये धीरे धीरे पास होना स्टार्ट होंगे। अब इफ M1 इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, अगर M1 को बहुत ही धीरे धीरे अगर मूव कराना जाए तो वन फ्रिंज विल क्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू, जैसे ही अगर आपने लाइट के पार्ट डिफरेंस को लैम्डा बाय 2 के लिए मिरर को स्लाइटली पीछे किया, थोड़ा सा स्लाइटली बहुत कम होता है लैम्डा बाय 2, तो ऐसे में एक रिंग जो है धीरे से पास हो जाएगी आपके जो फील्ड ऑफ व्यू से और नया रिंग बन जाएगा, जैसे बाहर निकलेगी एक नई रिंग देखने को मिल जाती है, और ये रिंग कैसी होगी आपको मैंने बता रखा है ब्राइट और डार्क, तो एक नई रिंग बनेगी, तो एंड अ न्यू फ्रिंज विल जनरेटेड एट प्लेस प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय द फ्रिंज, वहां पर एक नई रिंग बनेगी। ये काम आप जैसे जैसे स्लाइटली पीछे लेते जाएंगे आपको मल्टीपल रिंग्स आपको बाहर की ओर निकलते हुए दिखाएंगे और नए रिंग्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा इवेंट है, इस पूरे इवेंट का फॉर्मूला वगैरह हमने पिछले में पढ़ चुन लिया था कि
सेंटर पर ब्राइट और सेंटर पर डार्क के लिए कैसे वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़िएगा अच्छे से देखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत हो मुझसे शेयर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस कंप्लीट करने में, आपके लिए लेकर के आने में टाइम एक्सपेंड होता है, इसलिए कोशिश करिए कि हम लोगों के मेहनत को आप बरकरार रखें, और मेहनत बरकरार अपनी भी रखनी होगी आपको, ताकि आपको अच्छे से अच्छा आगे फ्यूचर मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आगे के लिए तैयार रहिए।